प्रदेश की मैनपुरी सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़ रही मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव बंपर जीत की ओर बढ़ रही हैं। वहीं गुजरात से भी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गुजरात में भी साइकिल इस वक्त दौड़ रही है। हालांकि एक ही सीट पर अखिलेश यादव के उम्मीदवार ने बढ़त बनाए हुए है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी बात है। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जो है उसके रुझान आ रहे हैं। बीजेपी बंपर जीत की ओर बढ़ रही है और प्रचंड बहुमत बनाते हुए बीजेपी नजर आ रही है। अधिकांश सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इन सब के बीच अखिलेश यादव की पार्टी का भी खाता खुलता नजर आ रहा है। दरअसल गुजरात की एक ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले चरण के चुनाव के लिए 13 और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 7 प्रत्याशी गुजरात के चुनाव मैदान में उतारे थे, मतलब कुल 20 प्रत्याशी अपना दम दिखा रहे थे। उनमें से केवल एक ही प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। आपको बता दें कि पोरबंदर के कुटियाना सीट से कांधल भाई सरमन भाई जडेजा ने इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से बढ़त बनाए हुए हैं। उन्हें 19,749 वोट अभी तक लगभग मिल चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देलनबेन मालदे भाई ओडेडारे हैं, उनको 14,154 वोट मिले हैं। और इस तरीके से यहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ रही है और ये बड़ी खुशखबरी डिंपल यादव और अखिलेश यादव के लिए है। आपको बता दें कि कांधल जडेजा गुजरात की लेडी डॉन संतोख बेन जडेजा के बेटे हैं। अखिलेश यादव ने उन्हें पोरबंदर की कुटियाना सीट से टिकट दिया था। 2012 और 2017 में वो राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी के टिकट पर इसी सीट से चुनाव जीत चुके हैं और इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी परचम यहां पर बुलंद कर दिया है। वो गुजरात में एनसीपी के इकलौते विधायक हुआ करते थे और इस बार ऐसा लग रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक गुजरात में बनेंगे और विधानसभा में बैठते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि पिछला विधानसभा चुनाव एनसीपी अलग लड़ी थी और कांधल जडेजा ने बड़े अंतर से यहां पर बीजेपी को शिकस्त दी थी। हालांकि कांधल जडेजा लगातार सुर्खियों में भी रहे हैं। इन दिनों उनका एक बयान खासा सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जीतने के लिए मेरा नाम ही काफी है और ऐसा लग रहा है कि उनके नाम पर ही यहां पर वोटिंग हुई है और वो प्रचंड जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि अभी वो जिस तरीके से आगे चल रहे हैं परिणाम में वो किस तरीके से बदलते हैं। लेकिन अखिलेश यादव डिंपल यादव के लिए जहां मैनपुरी से खुशखबरी है, तो वहीं पर पोरबंदर के कुटियाना सीट से भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जिसकी वजह से साइकिल वहां पर दौड़ रही है और ये यादव परिवार के लिए बड़ी खुशखबरी है।